दोस्तों जी टीवी पर साल 2012 में प्रसारित हुआ सीरियल पुनर्विवाह आज भी कई लोगों का फेवरेट शो है, जो आरती और यश की प्रेम कहानी होती है, जहां इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और उन्हीं को पार करके ये सुखी जीवन प्राप्त करते हैं। शो की इस कहानी को पर्दे पर उतारा था शो के कलाकारों ने, जिन्होंने कहानी का हर एक रिश्ता खूबसूरती से निभाया था और दर्शकों का काफी मनोरंजन किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं शो में जिस तरह से ये कलाकार अपने हर एक रिश्ते खूबसूरती से पर्दे पर दर्शाते हैं, ठीक उसी तरह ये अपनी असल जिंदगी में भी अपने भाई और भाभी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप भी उन जोड़ियों को देखेंगे तो आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। अगर आप भी पुनर्विवाह सीरियल में नजर आए इन कलाकारों के रियल लाइफ भाभी और भाई से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ ही इन कलाकारों के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर वन पर नाम आता है दिशांक अरोरा का। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल में यश के भाई का किरदार निभाने वाले अभिनेता दिशांक अरोरा के रियल लाइफ भाई और भाभी की। आपको बता दें, इनके अपने सगे भाई तो है नहीं, लेकिन ये शो में अपने भाई का किरदार निभाने वाले अभिनेता गुरमीत चौधरी को ही अपना भाई मानते हैं, जहां शो के दौरान ही दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, जिसके चलते दोनों ने अपने शो के इस रिश्ते को आगे भी कायम रखा। और जैसे कि सभी जानते ही हैं, गुरमीत चौधरी की वाइफ का नाम देबीना बनर्जी है और इसी के चलते देबीना बनर्जी रिश्ते में इनकी भाभी लगती है। इनके साथ भी इनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। नंबर दो पर नाम आता है लीना जुमानी का। इस सीरियल में आरती के बाद जिस किरदार को सबसे ज्यादा पसंद किया गया तो वो है परिधि का किरदार, जो शो में आरती की देवरानी होती हैं, जिसे पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री थी लीना जुमानी, जो अपने हर एक किरदार को खूबसूरती से निभाकर आज काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। पर अगर बात करें इनके रियल लाइफ भाई और भाभी के बारे में तो आपको बता दें, लीना जुमानी अपने माता पिता की इकलौती संतान है और इसी के चलते इनके कोई भाई और भाभी नहीं है। नंबर तीन पर नाम आता है गुरमीत चौधरी का। इस लिस्ट में तीसरा नाम शुमार है शो में यश का किरदार निभाने वाले अभिनेता गुरमीत चौधरी का, तो अपने इस किरदार को निभाकर आज एक घरेलू नाम बन चुके हैं। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ भाई और भाभी के बारे में तो इनके एक बड़े भाई हैं जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। बात करें गुरमीत चौधरी की भाभी की, तो क्योंकि इनके भाई लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं तो इसी के चलते इनकी भाभी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर इसके बावजूद खबरों के मुताबिक इन सभी के बीच काफी ज्यादा प्यार है और भले ही ये लाइमलाइट से दूर रहते हैं लेकिन एक दूसरे के काफी करीब हैं। नंबर चार पर नाम आता है श्वेता मुंशी का। इस कड़ी में चौथा नाम शुमार है टीवी की मशहूर अदाकारा श्वेता मुंशी का, जिन्होंने शो में यश की पहली पत्नी अर्पिता का किरदार अदा किया था और इन्हें किरदार में बेहद पसंद भी किया गया था। वहीं अगर बात करें इनके भाई और भाभी के बारे में तो श्वेता के अपने सगे भाई तो है नहीं, लेकिन आपको बता दें कि इनका भले ही कोई सगा भाई नहीं है पर ये बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान को ही अपना भाई मानती हैं और इसी के चलते इनकी एक ख्वाहिश है कि एक बार उन्हें राखी जरूर बांधें। नंबर पाँच पर नाम आता है कृतिका सेंगर का। अब आखिरी में बात करते हैं आपकी फेवरेट कृतिका सेंगर की, जो अपने हर एक लुक से लोगों को अपना दीवाना बना लेती है, जो पुनर्विवाह सीरियल में आरती का किरदार निभाकर सबकी चहेती अभिनेत्री बन गई थी। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ भाभी और भैया के बारे में तो इनके भाई का नाम अनुराग वेदांत सेंगर है, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वहीं आपको बता दें कि इनके भाई उम्र में इनसे छोटे हैं और अभी इन्होंने शादी नहीं की है, जिसके चलते कृतिका सेंगर की कोई भाभी नहीं है। इन दोनों भाई बहनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है और ये दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, जिसमें ये दोनों काफी क्यूट लगते हैं। दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किस कलाकार का पर्दे पर अभिनय सबसे ज्यादा पसंद आया था, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।